हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है इवनिंग का 4:30 और इस ब्लॉग को मैं अभी इस टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ अभी पूजा का सामान लेने, तो मैंने सोचा इस टाइम से ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज मैंने दिन में नहा धो के साड़ी पहना था, तो मैं इसी साड़ी में जा रही हूँ पूजा का सामान लेने। तो वापस आके मिलती हूँ। तो 4:30 बजे गई थी मैं मार्केट और मैं 5:30 बजे आ गई थी। 1 घंटा मुझे टाइम लगा था। मैंने बहुत जल्दी से सब कुछ लिया था, जो भी ज़रूरत का सामान होता है। मतलब माता रानी को कल डाला भरना है और उसके बाद फिर जाके मिठाई वगैरह जो चढ़ाना है नवमी का, वो सब कुछ लेना था, तो वो सब ले चुकी हूँ। और थोड़ा सा मैंने मेकअप का सामान भी लिया है, तो वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और अभी जस्ट आके जल्दी से नहा के और माता रानी का पूजा और संध्या जो है वो कम्प्लीट किया है। थोड़ा सा लेट हो गया आज मैं संध्या देने में, अंधेरा हो गया था। तो बस अभी पूजा संध्या कंप्लीट हुआ है और अब जा रही हूँ मैं चाय वगैरह पीने। और सामान जो भी मैंने लिया है ये सब ला के ऐसे ही अभी बैग के अंदर है और इधर ही है। तो अब मैं जा रही हूँ चाय वगैरह बना के फिर आपके साथ शेयर कर दी। तो ये वाला पूजा का बैग है। इस बैग में अभी सारा सामान जो है वो पूजा का है, जैसे कि 5 सुपारी, 5 रकम का फॉल, पौधों का फूल, पौधों मतलब कमल फूल, और एक पैकेट देख रहे हैं उसमें मिठाई है। तो नौमी को मिठाई चढ़ेगा इसलिए। और इधर माता रानी को जो धूप वगैरह देती हूँ उसे जलाने के लिए जो नारियल का छिलके वगैरह चाहिए होता है, तो नारियल का छोबा बोलते हैं हम लोग, तो वही मैं लेके आई हूँ अभी। तो पूजा का तो मैंने दिखाया मैंने क्या क्या लिया हुआ है, और अब मैं दिखा देती हूँ कि मैंने मेकअप में क्या क्या लिया है। तो मैंने मेकअप में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, मेरे पास जो पहले से पड़े हुए थे, जैसे कि फाउंडेशन, बीबी क्रीम, फेस पाउडर, हाइलाइटर, ये सब पहले से पड़ा हुआ था। तो कंसीलर, आईलाइनर, काजल, ये सब, लिपस्टिक, लिप लाइनर, तो मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं, सिर्फ एक लिपस्टिक, एक लिप लाइनर वगैरह लिया है। तो ज़्यादा मेकअप नहीं लिया है, मैं फिर भी शेयर कर देती हूँ क्या लिया है मैंने। तो सबसे पहले मैंने प्राइमर लिया है, एक ब्लू हेवन का एक प्राइमर लिया है मैंने, और सेकेंड लिया है, मैंने एक ब्रश का सेट लिया है, मतलब आई शेडो पैलेट लिया था तो उसी में मैंने एक ब्रश का सेट लिया है। तो एक ब्रश का सेट है और एक प्राइमर गया, उसके बाद एक कंसीलर स्टिक है मैबेलिन का, तो सॉरी कंट्रोल स्टिक है मैबेलिन का। मैंने कंसीलर तो मेरे पास पहले से ही है, तो कंट्रोल मेरे पास नहीं था। मैंने जो मेकअप का प्रोडक्ट अपने पार्लर के लिए किया था, तो जब मैं पार्लर को बेचा तो सारे मेकअप प्रोडक्ट उसके साथ ही चला गया। तो फिलहाल जो पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए वो तो ये है कंट्रोल स्टिक मैबेलिन का। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा आई शैडो पैलेट लिया है, तो ये है हिलेरी हुडा का आई शैडो पैलेट। तो मैं इसे थोड़ा सा ओपन करके दिखा देती हूँ किस टाइप का है। तो इस टाइप का पैलेट है, तो इसमें ये एक फेस पाउडर, ब्लशर, हाइलाइटर, और ये 12 कलर में जो है क्या बोलते हैं आई शेडो, ये सब आ जाता है। तो मैंने इसी के लिए एक ब्रश जो होता है अप्लाई करने के लिए, इसीलिए ब्रश लिया है मैंने। तो ये छोटा वाला आई शेडो पैलेट लिया है, जो मैंने पार्लर के लिए खरीदा था वो तो बड़ा वाला खरीदा था, पर अब पार्लर ही नहीं रहा तो बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वाला आई शेडो पैलेट मैंने अभी लिया हुआ है फिलहाल पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसका मुझे 250 रुपये पड़ा, 300 मांग रहे थे तो मैंने थोड़ा सा बार्गेनिंग किया, तो 250 में मुझे ये मिल गया। तो ये हिलेरी हुडा का है। और इसके अलावा मैंने लिया है ब्यूटी ब्लेंडर, मेरा जो ब्यूटी ब्लेंडर था वो ख़राब हो गया था, तो एक ब्यूटी ब्लेंडर भी लिया है। और क्या है, एक मैंने ये वाले इयर रिंग लिया है, ये मुझे पसंद आ गए थे। मेरे पास एक ग्रीन कलर की साड़ी भी है और उसमें गोल्डन वर्क किया हुआ है, तो ग्रीन और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है, तो ये वाला मुझे पसंद आया था। तो मैं इस टाइप का बड़े बड़े टॉप्स में पहनती भी, आपने देखा भी होगा। एक ब्लू कलर का मेरे पास बड़े हैं, एक ब्लैक कलर का है, और ये वाला ग्रीन लिया है मैंने। और एक मैंने 1 स्टोन का ये वाला मंगलसूत्र लिया है, और उसके अलावा एक लिप लाइनर लिया है मैंने, ये भी ए स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर है, और एक एलेटिन का जो है लिपस्टिक लिया है, तो इसका कलर जो है रेड कलर में है। तो जो मैं लगाती थी वो मैट लाइट पिंक कलर का मैट, उसका शेड मुझे नहीं पता, और इसका शेड है P28, तो ऐसी टाइप का कुछ शेड है। तो ए वाला मैंने अभी लिया है, तो इतना ही मैंने अभी लिया हुआ है। और एक परफ्यूम लिया है रजनीगंधा का, पता नहीं दिखाया था कि नहीं दिखाया था। बस तो एक कुछ सामान जो है मैंने अभी लिया हुआ है। मेरे पास ऑलरेडी बीबी क्रीम,
फाउंडेशन, फेस पाउडर ये सब वगैरह पड़े हुए थे तो मैंने वो सब लिया नहीं है, तो बस एक कुछ सामान मैंने अभी लिया है, यही बस यही सामान मैंने लिया हुआ है। तो अभी हो रहा है नेक्स्ट डे सुबह का वक्त और आज है अष्टमी और आज मेरा उपवास भी है, पर इस बार कहीं पे अंजलि वगैरह देने जाना नहीं था तो इसी वजह से अभी फिर से मैंने पूजा करने टाइम नाइटी ही पहना है। अगर अंजलि वगैरह देने जाना होता तो अभी तक मैं रेडी हो चुकी होती। तो अभी जस्ट पूजा कम्प्लीट हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इधर मैंने घर पर ही डाला भर दिया है माता रानी का, नौमी भी आज ही है तो ये सब होता ना तो शाम को चढ़ाती, पर भाभी ने बोला कि नहीं अभी सुबह ही चढ़ा दो तो मैंने सुबह ही चढ़ा दिया है। और इधर बस पूजा वगैरह अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है और देखती हूँ अगर कोई मिल जाए साथ में तो अंजलि अगर होगा तो देने जाऊँगी, अगर नहीं होगा तो इस बार शायद अंजलि नहीं पड़ेगा माता रानी का, तो देखती हूँ क्या होता है। तो आज है दिन संडे और अभी टाइम हो रहा है 12:30 संडे और नौमी भी है आज। तो आज जो ये जो ब्लॉग जाएगा ना ये मेरा 3-4 दिन का मिला हुआ ब्लॉग जाएगा, क्योंकि मतलब पूजा पाठ करते मेरे घर का सारा काम वगैरह करते मुझे टाइम नहीं मिलता था कि मैं वीडियो शूट करूं। और पूजा करने टाइम ना मतलब बार बार क्या होता था, एक जो एक मैंने वीडियो शूट करके भेजा था जो उसमें क्या होता था ना बार बार मुझे कट करने के लिए उठना पड़ता था, ध्यान ये कैमरे की तरफ ही रह जाता था कि मतलब अच्छा वीडियो लंबा हो रहा है जाके कट करके आती हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब हो जा रहा था पूजा करने में। तो इसी वजह से मैंने और कुछ पूजा वगैरह का नहीं दिखाया था, तो मैंने इससे पहले वाले क्लिप में दिखाया था, बस माता रानी का मैंने डाला वगैरह भला था और बस उतना सा ही मैंने शूट किया था। और आज हो गया फिर नेक्स्ट डे, आज नौमी है और संडे है। तो घूमने तो इस बार मैं जा नहीं पाई थी, तो इन्होंने कहा कि ये मुझे 2 दिन से बोल रहे हैं कि चल बाहर से बाहर लेके आ जाएंगे घुमा के, पर मैं ही बोल रही थी कि नहीं नहीं कहाँ जाएंगे, पर आज नौमी है तो लास्ट है तो और तो इसीलिए हम लोग अभी शाम को घूमने जाने वाले हैं। तो अभी आज जाने वाले हैं तो अब मैं करने जा रही हूँ ब्लीच। एक्चुअली मुझे ना खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है और घर का सारा काम तो मुझे ही करना होता है ना, तो कैसे मेरा टाइम ख़त्म होता है ना मुझे पता भी नहीं चलता। तो इसी वजह से मैंने ब्लीच वगैरह इस बार कुछ भी नहीं किया था, पार्लर ही नहीं गई थी, आईब्रो वगैरह तो मैंने खुद से बना लिया है। तो अभी जा रही हूँ मैं ब्लीच करने, तो ब्लीच करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है अरोमा लिप्स का हल्दी चंदन थेरेपी वाला, ये वाला मेरा पार्लर का है, पार्लर का पैक है, तो वो ही मैंने पार्लर से एक निकाल के मैंने अपने कमरे में रख लिया था। कोई लड़की वगैरह आती थी ना तो मैं मतलब बोलती थी आंटी ब्लीच कराना है फेशियल कराना है, तो मतलब मैं कर देती थी, तो बस वही वाला मेरे पास है हल्दी चंदन थेरेपी अरोमा लिप्स का, तो उसी को मैं अभी अप्लाई करने जा रही हूँ। तो मैंने ना पहले से ही घोल के रखा हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा क्रीम लेके 1.5 चुटकी एक्टिवेटर डाला है और मैंने इसको मिला के फेंट के रखा हुआ है इस कटोरी में, तो अभी मैं इसे अप्लाई करने जा रही हूँ। और उसके बाद मेरे पास एक VLCC का फेशियल किट है, तो मैं पूरा फेशियल नहीं करूँगी, मैं सिर्फ मसाज करूँगी और उसके बाद पैक लगाऊँगी और लास्ट में सीरम लगाऊँगी फेस सीरम जो है। तो बस अभी पहले ब्लीच अप्लाई कर लेती हूँ। हेयर बैंड भी ना मेरे पास जो था मैंने पार्लर से कुछ निकाला ही नहीं था, ये जो 2 चीज़ें हैं मैंने बस वही निकाला है, एक फेशियल पर्सनल यूज़ के लिए एक निकाला था VLCC का और ये जो ब्लीच है वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला था, इसके अलावा मैंने और कुछ निकाला ही नहीं है। अचानक से बिक गया ना, मतलब सोचा नहीं था कि बेचूँगी पार्लर, तो इसी वजह से सारा सामान जो है पार्लर में ही रह गया, कुछ भी नहीं, हेयर ड्रायर सब कुछ मेरा सब कुछ उसी में रह गया, यहाँ तक कि मेरे जो कुछ पर्सनल मेकअप के सामान थे ना मैं वहाँ पे एक दो लड़कियों के मेकअप जो की थी मतलब मेरी भांजी के शादी में, तो उस टाइम पे मैंने वो सब सामान से यूज़ किया था, वो भी नहीं निकाल पाई मैं, इतना अचानक से मुझे पार्लर बेचना पड़ा। तो बस इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी। आंखों के नीचे थोड़ा सा मेरा काला हो गया है, इधर से नींद मेरा जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि रात को तो सोते सोते वही 12-1.5 ऐसा ही बजता है, लेकिन उठना पड़ रहा है सुबह में जल्दी क्योंकि पूजा वगैरह करने में 40 पाठ आरती सब कुछ करने में 2-3 घंटा वक्त लग जाता है सुबह के टाइम, तो सुबह जल्दी उठना होता है, तो नींद जो है दिन भर तो सोना अभी छोटा दिन का टाइम कैसे दिन देखते देखते शाम हो जाता है, फिर दोबारा नहा के पूजा करना होता है, तो इसी वजह से नींद जो है मेरा कम हुआ है और आँख के नीचे थोड़ा सा डार्क सर्कल हो गया मेरा, तो दिख ही रहा होगा कि डार्क सर्कल हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा। तो नींद कंप्लीट होते ही
वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ अब जाके मैंने पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, हमें आंखों के एरिया में नहीं लगाना होता है, तो मैंने इस एरिया को छोड़ के बाकी पूरे चेहरे पे अप्लाई कर लिया है। और अब 10 मिनट बाद मैं इसे वॉश करूँगी। मैं 10 मिनट ही रखूँगी क्योंकि लगाने में कम से कम 5 मिनट करीब चला गया होगा, तो ज़्यादा देर मैं नहीं रखती हूँ। मैं 10 से 15 मिनट रखती हूँ, तो 15 मिनट का मैं 5 मिनट इधर कट कर रही हूँ और इधर 10 मिनट रखूँगी। और 5 मिनट बाद मैं उंगली से बस ऐसे ऐसे हल्का हल्का इस टाइप से राउंड राउंड करके मिला लेना होता है। ऐसे अच्छा होता है ना, वो ब्लीच को अप्लाई करने के बाद ना वो थोड़ा सा फूल जाता है, तो इस टाइप से हमें मिलाना चाहिए। तो वही मैं हल्का हल्का ऐसे मिला लूँगी। लगभग 5 मिनट करीब होने को आया है, देख ही रहे हैं आप, ये सूख भी गया है थोड़ा थोड़ा। तो बस 5 मिनट और 10 मिनट रखूँगी और फिर जाके वॉश कर लूँगी। तो अब मैंने चेहरे को वॉश कर लिया है और मैं किचन एरिया में ही बैठी हूँ, उधर ना मशीन का जो है आवाज़ आता है इसलिए। तो अब मेरे पास ये VLCC का जो है पार्लर पैक है, ये इसमें 5 टाइप के फेशियल है। तो मैं ना अभी ये सीरम अप्लाई करूँगी लास्ट में, और अभी सिर्फ मैं फेस स्क्रब नहीं करना, हमें स्क्रब नहीं करना होता है जब भी हम इसे ब्लीच करते हैं ना, तब हमें स्क्रब नहीं करना होता है। तो इस टाइप से पैकेट पैकेट में है इजी, तो मैं बस ढूंढ रही हूँ कि कौन सा पैक है और कौन सा मसाज क्रीम है। तो ये भी स्क्रब है, ढूंढते हैं। ग्रीन एप्पल स्किन गार्डन लॉसन पपाया फ्रूट स्किन अपने चाहिए वाला फेस क्रीम, ये वाला है फेस क्रीम। तो इसमें पाउच पाउच टाइप का आता है, आप एक टैनिंग का अलग होता है, पिगमेंटेशन का अलग होता है, इसे सब कुछ का अलग होता है। तो सब मैं पैक ढूंढ रही हूँ, पैक भी मिल गया। तो ए 3 मैं अभी करने वाली हूँ, ये रहा पैक, ये रहा ए वाला है फेस पैक और ए वाला है फेस क्रीम और ये है सीरम। तो ए मैं अभी अप्लाई करूँगी, फेशियल तो मैं अभी नहीं करूँगी, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी तक खाना मेरा नहीं बना है। खाना इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि कल उपास था और सुबह मैंने अच्छे तरीके से नाश्ता वगैरह बना के खा लिया है, मैंने भी इनको भी खिला दिया है। इन्होंने कहा हल्का फुल्का खाना बनाना, ज़्यादा हाई फाई बनाने का दरकार नहीं है। तो हल्का फुल्का क्या बनाऊँ मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि घी भात और आलू का चोखा यही बना लेना। तो मैंने बोला ठीक है, और गर्मा गर्म बना ला जब मैं घर में रहूँगा तब। तो मैंने कहा ओके, गर्मा गर्म ही बना दूँगी। तो अभी 12:30 हो रहा है, 1 बजे मैं जाऊँगी खाना बनाने। तो बस थोड़ा सा मसाज वगैरह कर लेती हूँ, मैंने कहा चलो जब खाना बनाना है नहीं तो मसाज फटाफट से अपना ही थोड़ा सा कर लेती हूँ। ये तो मैं अपने लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं निकालती हूँ लाइफ में, सारा दिन सारी रात मैं बेटा हस्बैंड इन लोग के लिए, तो आज थोड़ा निकाल लेती हूँ क्योंकि दिन भर तो है ही काम वगैरह करने के लिए। तो इसी से मैं अच्छी तरीके से मसाज कर लेती हूँ। तो मसाज क्रीम से मसाज करने के बाद यहाँ मैंने पैक लगा लिया है, तो मैंने बहुत ज़्यादा ना हैवी मोटा सा लेयर नहीं लगाया है क्योंकि वो सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। और अभी मैं बात कर रही हूँ क्योंकि ये अभी गीला है, सूखने लगेगा तो मैं बात नहीं करूँगी, नहीं तो क्रैक पड़ जाएगा इस पर। तो बस ये पैक लगा के करूँगी वेट, और वेट करने के बाद थोड़ी देर में जब ये सूख जाएगा तब मैं धो लूँगी। तो हमें पैक लगा के कभी भी बात वगैरह नहीं करना पड़ता है, नहीं तो ये क्रैक होने का एक दाग हो जाता है चेहरे पर। तो बस पैक लगा के अब मैं इसे अच्छे से, जब ये सूख जाएगा ना तब ये मतलब लगेगा कि एक मोटा सा लेयर फेस पे लगा हुआ है, अभी ये थोड़ा सूखा नहीं है तो इसी वजह से ये अभी पतला लग रहा है। और मैंने पतला ही लगाया है, अभी मुझे टाइम लगेगा इसको सुखाने में, तो 10-15 मिनट वेट करती हूँ और उसके बाद फिर जाके मैं क्लीन करके लास्ट में सीरम अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर फेस पैक जो है वो सूख गया है और हाथों को मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया है, और फेस पैक सूखने के बाद भी हमें थोड़ा सा मसाज करना होता है, मसाज करके हमें फेस पैक निकालना होता है। तो बस हाथों को गीला करती जाऊंगी
और मसाज कर करके इसे पहले एक बार मिला लूँगी और उसके बाद जाके इसे वॉश करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पानी और एक टॉवल रखा है, छोटा सा हैंडकरचीफ है मेरे पास वो रखा है, उसी से साफ कर लूँगी। तो ज़्यादा नहीं मिलाऊंगी, हल्का सा ही मसाज कर लेंगे और बस हो गया। देख रहे हैं आप, मैंने पूरा फेशियल नहीं किया है फिर भी एक अच्छा खासा सा ग्लो आ गया है चेहरे पे। अभी थोड़ी देर पहले मेरा चेहरा जो है कितना ज़्यादा डल दिख रहा था, और एक दो दिन बाद कल तक तो और भी आ जाएगा ग्लो, और अभी ये रहेगा हफ्ता दिन, और हफ्ता दिन बाद फिर जो असलियत है वो बाहर आ जाएगी। मतलब असलियत क्या, जो जैसे आप हो वैसे ही रहते हो, बस हल्का सा ग्लो आ जाता है। तो ये इंस्टेंट लुक, मतलब लुक ग्लो देख सकते हैं फेस पे। हो गया मेरा, अभी शॉर्टकट में फेशियल, फेशियल तो मैंने नहीं किया, बस मसाज करके कुछ करके ब्लीच करके मसाज करके और पैक लगाया, और अब लगाऊंगी मैं सीरम। तो थोड़ा सा पहले फेस को मैं सुखा लूंगी, गीले फेस पे नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वही लगा के अभी जब तक रेडी नहीं होंगी तब तक वही फेस पे लगा रहेगा। मैंने ले लिया है सीरम, और इसका कुछ ड्रॉप मैं हाथ में ले लूंगी, 4 से 5 ड्रॉप, और लेके हमें अच्छे तरीके से मसाज करना होता है। या तो आप हाथ पे इस तरीके से अच्छे तरीके से मसाज कर लो, या फिर आप चेहरे पे मसाज कर सकते हो। तो मैं हाथ ही पे कर रही हूँ, चेहरे पे अभी टाइम नहीं है मेरे पास करने का, टाइम 1 हो गया। तो अच्छे तरीके से हाथ में मैंने इसको हीट कर लिया, और अब इसे अप्लाई कर दूंगा। तो हो गया मेरा यहाँ पे फेशियल, जो जो भी मुझे करना था मेरा स्किन केयर के बारे में वो हो गया कंप्लीट। और अब बस पूरा दिन मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ, चेहरे पे और कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी, ये सीरम रहेगा। और अब मुझे जाना है खाना बनाने, तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर तैयार हुई तो मेकअप भी दिखा दूँगी। इनके साथ जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा तो मेकअप नहीं करूंगी, जैसा भी करूंगी आपको दिखा दूंगी। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।